सबसे बड़ी खबर झारखंड के सियासी संग्राम को लेकर। खबर यह है कि झारखंड में एनडी को लग सकता है बड़ा झटका, यानी कि विपक्षी अलायंस को बड़ा झटका झारखंड में लग सकता है। जेएमएम के 29 विधायकों में से 7 इस वक्त लापता हैं। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। इंडिया गठबंधन के 13 विधायक लापता, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के 6 विधायक लापता हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि जाहिर है इसी नंबर गेम के साथ सरकार बनाने का दावा चंपई सोरेन पेश कर चुके हैं। लेकिन अगर ये विधायक लापता हैं तो क्या सरकार पर संकट अभी भी बरकरार है? कई दिनों से हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा जो चलता हुआ इस वक्त झारखंड में चलता हुआ नजर आ रहा था, उसी बीच में विधायकों के लापता होने की इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है, जो कि इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। इसी बीच में एक और बड़ी अपडेट, जानकारी इस वक्त क्या है आपको ये भी बता दें, फ्लाइट से हैदराबाद विधायक शिफ्ट हो सकते हैं। इसी बीच में निशिकांत दुबे क्या दावा कर रहे हैं कि सरकार के पास सिर्फ 30 विधायक हैं, लेकिन इन विधायकों को शिफ्ट कराने की तैयारी हो रही है और हैदराबाद से स्पेशल फ्लाइट का इस्तेमाल करते हुए इनकी शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है। कल की तस्वीरें रिवाइज एक बार आपको करा दें, जब सीएम आवास पर विधायक पहुंचे थे 3 गाड़ियां लगाई गई थी और उसके बाद कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक की भी खबर है। बहुत सारी खबरें आ रही हैं और इस बैठक के बीच में अभी विधायकों के लापता होने की खबर है। न सिर्फ ये बल्कि विधायकों को शिफ्ट कराने की तैयारी, फ्लाइट से, स्पेशल फ्लाइट से हैदराबाद शिफ्ट हो सकते हैं विधायक। विधायकों को ले जाने की इस वक्त तैयारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से लगातार बड़ी खबर झारखंड की सियासत को लेकर क्या आ रही है। खबर यह है कि गेस्ट हाउस से विधायकों को पहले राजभवन ले जाने की तैयारी हो रही है, उसके बाद क्या उनको शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि एक पत्र दिया गया है जिसमें सबके सिग्नेचर हैं। राजभवन के बाद हैदराबाद शिफ्ट होंगे विधायक, ये भी सोर्सेस बता रहे हैं। देखिए एक और बड़ी अपडेट जल्दी से आपको दे दें, सभी विधायकों को पहले राजभवन ले जाया जाएगा जो अभी मैंने आपको बताया, और जो गेस्ट हाउस है उसके बाहर गाड़ी तैयार कर दी गई है। स्पेशल फ्लाइट से विधायकों को हैदराबाद ले जाने की तैयारी है, लेकिन पहले इनको राजभवन ले जाया जाएगा, उसके बाद सभी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जाएगा। लगातार सियासी घटनाक्रम तेजी से इस वक्त झारखंड में बदलता हुआ नजर आ रहा है। सर्वेश मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और उसके बाद अदिति आपके पास आऊंगी। लेकिन सर्वेश, अभी फिलहाल काम की बात यह है कितने विधायक हैं वहां की सरकार के पास और कितने लापता। देखिए 45 विधायक के बारे में कहा जा रहा है कि 45 विधायक अभी तक इंटैक्ट हैं, जो कि अभी भी सर्किट हाउस में मौजूद हैं। उनको बस उनके लिए भेजी गई है वहाँ पे, और बताया जा रहा है कि 3 बजे के आसपास राजभवन मार्च कर सकते हैं चंपई सोरेन अपने तमाम विधायकों के साथ। और उन्होंने लगातार ईमेल भी किया है, फ़ोन भी किया है राज्यपाल को, और समय भी मांगा है, लेकिन अभी तक राज्यपाल की तरफ से समय नहीं दिया गया है, जिसको लेकर के जेएमएम और जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो सत्ताधारी दल के और तमाम विधायक हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गुस्सा है और इसको लेकर वो प्रोटेस्ट मार्च कर सकते हैं। और अगर उनको शपथ ग्रहण के लिए समय अगर राज्यपाल दे देते हैं तो फिर जो हालात हैं वो सामान्य हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई गतिरोध होता है शपथ ग्रहण को लेकर, तो निश्चित तौर पर विधायकों के लिए चार्टर्ड प्लेन तैयार है जो उनको लेकर हैदराबाद जाएगा। फिलहाल इस वक्त हम लोग पटना रांची सिविल कोर्ट में मौजूद हूँ और इस वक्त जानकारी यही मिली है कि ईडी दफ्तर से हेमंत सोरेन चल चुके हैं, यहाँ उनकी पेशी होनी है। और कोर्ट परिसर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे पूर्णिमा, कि कितनी गहमा गहमी है यहाँ पे, किस तरीके की तैयारियाँ हैं। आप देखें कि तमाम जो है सुरक्षा बलों को यहाँ पे तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और ये इंतजाम जो हैं पूरे कोर्ट में किए गए हैं ताकि हेमंत सोरेन जब यहाँ आए तो किस तरह के कानून व्यवस्था में की दिक्कत ना आए। तो ये अभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। हेमंत सोरेन थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, जिसके बाद उनकी पेशी होगी। और ईडी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 14 दिन की रिमांड ईडी मांग सकती है। अब देखने वाली बात होती है कि ईडी को रिमांड मिलती है या फिर न्यायिक हिरासत में हेमंत सोरेन को भेजा जाता है। पूर्णिमा देखिए पूरा ये मामला कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ रुख करता हुआ, जिसमें तानाशाह सरकार परेशान कर रही है, ये जेएमएम आरोप लगा रही है। इससे पहले जेएमएम ने सर्वेश ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री के साथ क्रिमिनल जैसा बर्ताव किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच में निशिकांत दुबे के दावे को लाते हुए वो ये कह रहे हैं कि 18 विधायक इनके पास कम है। आप कह रहे हैं 45 है, कल 47 का दावा जेएमएम कर रहा था, जिसमें 43 के दस्तखत लेते हुए उन्होंने सबमिट कर दिया था इसको राजभवन जाकर राज्यपाल के पास। ये नंबर गेम में उलटफेर और निशिकांत दुबे के दावे में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है?
देखिए निशिकांत दुबे जो भी दावा करते हैं वो सटीक हो जाता है, कई बार ऐसा देखा गया। कल भी ये बात आ रही थी कि कांग्रेस के 9 विधायक जो हैं वो पाला बदलने की फिराक में हैं। हालांकि यही वजह है कि सबको सर्किट हाउस में कल से रखा गया है। चंपई सोरेन सबके साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जो आंकड़े हैं उसमें सरकार कहीं उलझे नहीं, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं निशिकांत दुबे की तरफ से वो 18 विधायकों के लापता होने या फिर उनके फ्लोर टेस्ट से गायब होने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सीधे तौर पे वो विधायक जो हैं वो जेएमएम और कांग्रेस की सरकार को समर्थन नहीं देंगे। कल भी ये बात आ रही थी कि 9 विधायक ऐसे हैं कांग्रेस के जो पाला बदल सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो आंकड़ों के गेम में कहीं ना कहीं जेएमएम की सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जब राज्यपाल उनको शपथ ग्रहण के लिए समय देते हैं और उस वक्त बहुमत का आंकड़ा ये लोग जुटा पाते हैं या नहीं जुटा पाते। ठीक है, मैं सर्वेश जरा लौटती हूँ कुछ तस्वीरों के साथ। कोर्ट के बाहर की आप तस्वीरें दिखाइएगा। कई जगह से तो संगठन है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो गिरफ्तारी हेमंत सोरेन की हुई। आदिति कुछ कह रहे हैं क्या आप सर्वेश? जी नहीं, कोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से यहाँ पे क्वार्डन ऑफ किया गया है, हेमंत सोरेन को लाया जा रहा है इसकी वजह से। ठीक है, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। और अदिति आपके पास आते हुए ये जो नंबर गेम है ये बड़ा दिलचस्प है। सीधा सीधा अगर मैं सवाल पूछूं, सरकार बच रही है, सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, कांग्रेस और बाकी साथी जेएमएम के साथ इंटैक्ट है, पाला बदलने की संभावना है, निशिकांत दुबे खबर दे रहे हैं, तो उनके सोर्सेस क्या है? बहुत सारे सवाल हैं और सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, और सीधा सीधा जवाब देने की बजाय मैं थोड़ा सा विस्तार से देती हूँ। पहला, इस पूरे सिनेरियो में चाहे फिर महाराष्ट्र था, चाहे फिर बिहार था, चाहे फिर राजस्थान एक समय था, चाहे फिर मध्य प्रदेश था, और चाहे फिर अब झारखंड, गवर्नर की भूमिका पॉलिटिकल है। गवर्नर पहले ऐसा कहते हैं कि संवैधानिक पोस्ट और तमाम चीज़ें, लेकिन अब बहुत पॉलिटिकल ये पूरा मसला हो जाता है। जब कल चंपाई सोरेन दावा करके आ गए 81 सीट्स में से 41 सीट्स के 41 विधायकों के समर्थन की बात कराए, तो अभी तक सरकार को ये प्रस्ताव ना देना कि आप सरकार बना ले फ्लोर पर, ये कुछ ना कुछ दर्शाता है। और जब गवर्नर ऐसा फैसला दे रहे हैं यानी कि कोई ना कोई फिलर है। फिलर क्या है? आपने बताया विधायक गायब हैं, 47 का दावा करते करते 45 पर आ गए। और अब निशिकांत दुबे के सोर्स कौन है? निशिकांत दुबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्लोजेस्ट सर्कल के व्यक्ति माने जाते हैं आज की तारीख में। कब से? जब से नो कॉन्फिडेंस मोशन में उन्होंने तार तार कर दिया था सदन में, जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया धुआंधार, वो उसके वो कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री मोदी का कि जब राहुल गांधी बोलेंगे तो निशिकांत दुबे उसका जवाब देंगे। आदिति मामला था जब निशिकांत दुबे ने उस पर सदन में अपना वक्तव्य रखा। बिल्कुल। और इसके अलावा महुआ मोइत्रा का जो पूरा मसला हुआ, महुआ मोइत्रा लगातार अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरती आई, और किस तरीके से जब वो निष्कासित हुई तो पूरा, तो वो एक क्लोजेस्ट सर्कल में, तो इसलिए सोर्स उनका जबरदस्त है। और अब सवाल तो ये उठता है, हम सर्वेश से पूछेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी कल सुबह 11 बजे बुला रही है अपनी बैठक, अभी तक गवर्नर बुला नहीं रहे सरकार बनाने के लिए, इसलिए मार्च पास्ट होगा, इसीलिए जो अभी फिलहाल जो माना जा रहा है चंपाई अपने विधायकों को लेकर जाएंगे सरकार बनाने के लिए, एक बार फिर दरख्वास्त करेंगे, और अगर जो भी होता है फिर उनको हैदराबाद भेजा जाएगा। इसी सवाल को लेते हुए मैं सर्वेश के पास अदिति जाऊंगी, लेकिन जो आप बता रही हैं बड़ी खबर, उससे पहले इसी से जुड़ी हुई बता देते हैं, जो बीजेपी विधायक दल है उसने कल सुबह 11 बजे बैठक बुला ली है। बीएल संतोष, लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस बैठक में शामिल होंगे, बाबूलाल मरांडी बैठक में शामिल होने वाले हैं, और ये बड़ी खबर है। और सर्वेश, इसी बड़ी खबर के मायने बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि जेएमएम इस बात का आरोप लगातार लगा रही है कि राज्यपाल जो हैं वो पॉलिटिकल भूमिका में आ चुके हैं। हम जब समर्थन पत्र का बात कर चुके हैं, हम समर्थन पत्र दे चुके हैं, विधायकों की संख्या उनको बता चुके हैं, उसके बावजूद हमको सरकार बनाने का न्योता नहीं मिल रहा कि शपथ ग्रहण, लेकिन चंपाई सोरेन दावा कर चुके हैं सरकार बनाने का। कल उस पर ये विधायक दल की बैठक बीजेपी की। सर्वेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? और जो झारखंड के संगठन मंत्री हैं, जी बिल्कुल पूर्णिमा जी, बताइए, आपका माइक डाउन था। पूर्णिमा, मैं बता रहा था कि कल जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, आपको रोक रही हूँ सर्वेश, मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए, रांची एयरपोर्ट 2 विशेष चार्टर्ड विमान इस वक्त पहुंच चुके हैं, और ये तो होना ही था, 40 सीटों वाले ये 2 विशेष विमान हैं, और अब इसी के साथ विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है, क्योंकि समय दे दिया गया था। ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ 5 विधायक ठहरेंगे रांची में, पूरे हालात पर नजर रखने के लिए।
सर्किट हाउस में दो ट्रैवलर, एक बड़ी बस इस वक्त खड़ी है। विशेष चार्टर्ड विमान इस वक्त पहुंच चुका है रांची एयरपोर्ट। 40 सीटों वाले ये दो विशेष विमान हैं जो कि इस वक्त रांची पहुंच चुके हैं और यहां से कहां का रुख करेंगे, ये यहां से हैदराबाद का रुख करेंगे क्योंकि हैदराबाद में शिफ्ट किया जाना है विधायकों को। अदिति, दिल्ली से रांची दो चार्टर्ड प्लेन इस वक्त पहुंच चुके हैं। इसमें दो बड़ी बात है, पहला कि हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। हैदराबाद में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। कांग्रेस हर पॉसिबल कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस के विधायक भी गायब हैं, जेएमएम के विधायक भी गायब हैं काफी मात्रा में। कांग्रेस हर पॉसिबल कोशिश कर रही है, इसलिए कांग्रेस लेके जा रही है हैदराबाद। कांग्रेस चाहती है कोई एक राज्य जो बचा है वो बच जाए। दूसरी बात क्या है, आप देखिए कि कल जब 11 बजे बैठक होगी तो वहां कौन पहुंच रहा है। वहां पर बीएल संतोष के पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। जब ऐसी स्थिति में बीएल संतोष पहुंच रहे हैं जो कि संगठन के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, अगर वो पहुंच रहे हैं तो कोई मेजर डिसाइसिव एक्शन होने वाला है। और कहना गलत नहीं होगा कि सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि देखिए बिहार में जब सरकार का हुआ तो जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात करने सब आए। ये बड़े लोग हैं, अगर इनसे कोई मुलाकात हो रही है या ये जा रहे हैं तो इसका मतलब कोई डिसाइसिव चीज होने वाली है। अगर ये कोई इतनी डिसाइसिव बैठक नहीं होती है, सीरियस नहीं होती, तो बीएल संतोष नहीं जाते। बीएल संतोष का वहां पहुंचने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से अंदर गेम तैयार हो चुका है और सरकार बनने वाली है और अगले दो दिनों में शपथ भी होना संभव। बहुत बड़ी बात बोल रही है आप अदिति, ये बहुत बड़ी बात है। बीएल संतोष के पहुंचना मामूली बात नहीं है, इसीलिए क्योंकि विधायक दल की बैठक हो सकती है, किसी को ऑब्जर्वर नियुक्त कर सकते हो, ऑब्जर्वर में कोई बड़ा नेता जा सकता है, लेकिन बीएल संतोष संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, अगर पार्टी में कोई फैसला होता है तो वो बीएल संतोष के नेतृत्व में होता है। अगर वो झारखंड पहुंच रहे हैं तो ये मामूली बात नहीं है। और इसी से संकेत मिलते हैं, गवर्नर का आज नहीं बुलाना, एमएलएस का गायब हो जाना, निशिकांत दुबे जो प्रधानमंत्री करीबियों में से माने जाते हैं उनका बयान, और तीसरा बीएल संतोष का पहुंचना, ये अपने आप में कोई भी मामूली बात नहीं है। इन सबको जोड़ा जाए तो भाजपा की सरकार बनती है। और बाबूलाल मरांडी बैठक का हिस्सा हो सकते हैं, खबर ये भी सूत्रों के हवाले से है। सर्वेश, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, और इसी बैठक पर अब नजर रहेगी क्योंकि आदिति कह रही हैं ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी वहां पर सरकार बना रही है। आज अगर विधायकों के गायब होने से लेकर काउंटिंग करते हुए कल के इस डेवलपमेंट को काउंट करें तो क्या तस्वीर आपको नजर आ रही है वहां पर? देखिए पूर्णिमा, जो तस्वीरें हैं उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है, कुल 35 विधायकों को जेएमएम अपनी तरफ से चार्टर्ड विमान से हैदराबाद भेजने वाली है। विमान भी रांची एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। निश्चित तौर पे एक कोशिश यही है कि बाड़ेबंदी की जाए विधायकों की, किसी तरह के तरीके से टूटने से बचाया जाए इस गठबंधन को, और यही कोशिश है और इसी की वजह से ये तमाम कवायदे की जा रही हैं। जहाँ तक बीएल संतोष का आना है, इसके अलावा करमबीर सिंह कल की बैठक में मौजूद रहेंगे जो कि संगठन मंत्री हैं, इसके अलावा लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि झारखंड प्रभारी हैं, बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष, ये तमाम लोग कल की बैठक में मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है कि जो बिहार में जो खेला हुआ उस तरह खेला झारखंड में भी होने वाला है, और यही वजह है कि जेएमएम के तमाम विधायकों को, कांग्रेस के तमाम विधायकों को, करीब 35 की संख्या होगी जिन विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद रवाना किया जाएगा। थोड़ी ही देर में हेमंत सोरेन की पेशी होनी है। हेमंत सोरेन को लेकर इस वक्त ईडी की टीम पहुंच रही है, इस वक्त की यह बड़ी खबर हेमंत सोरेन की पेशी को लेकर। इसी बीच में जो विधायक हैं उनको हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। ईडी हेमंत सोरेन को लेकर कोर्ट के लिए इस वक्त निकल चुकी है, ये बड़ी खबर है। इस वक्त हेमंत सोरेन कुछ देर में रांची में पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। कोर्ट के लिए इस वक्त टीम निकल चुकी है और पीएमएलए कोर्ट में अब से थोड़ी ही देर बाद हेमंत सोरेन की पेशी होगी। कांग्रेस इससे पहले इस बात का दावा, हमारे पास बहुमत है सरकार बुलाने के लिए, हमको बुलाया जाए, लेकिन सरकार बुलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए इस वक्त बुलावा नहीं पहुंच रहा है राज्यपाल की तरफ से, और इसको लेकर जेएमएम और गठबंधन के साथी नाराज नजर होते हुए दिखाई देने लगे हैं। सर्वेश अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो कोर्ट में किस तरीके की हलचल इस वक्त है, क्योंकि ईडी की टीम निकल चुकी है हेमंत सोरेन को लेकर, कोर्ट पहुंचने वाली है, वो तस्वीरें भी सर्वेश के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। हेमंत सोरेन की पेशी महत्वपूर्ण, लेकिन उससे पहले कोर्ट के बाहर समर्थकों की भीड़ लगती हुई भी नजर आई, समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इधर हेमंत के आवास से 36 लाख बरामद हुए, ये दावा इस वक्त ईडी की तरफ से किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तारी हुई है, ईडी ने यह बता दिया है।
31 जनवरी की रात 10 बजे गिरफ्तारी हुई, यानी कि कल जब भारत 24 एक एक खबर आप तक पहुंचा रहा था तो ये खबर भी आप तक पहुंचाई गई थी कि गिरफ्तार हो चुके हैं हेमंत सोरेन। उससे ठीक पहले इस्तीफा देने के लिए राजभवन वो पहुंचे थे, उनके साथ ईडी की टीम थी और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद 10 बजे गिरफ्तारी हुई। हालांकि जो अरेस्ट मेमो है उस पर सिग्नेचर करने से पहले हेमंत सोरेन ने इनकार कर दिया था। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ईडी की टीम हेमंत सोरेन को लेकर पहुंच जाएगी, पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है और इसके साथ ही बाकी विधायकों को मीनवाइल शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है हैदराबाद। हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की टीम इस वक्त निकल चुकी है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसी बीच में उनकी पेशी हो रही है हेमंत सोरेन को लेकर। ईडी का अरेस्ट मेमो, उसको लेकर खबर क्या है? हेमंत के आवास से 36 लाख बरामद किए हैं, ये ईडी ने कहा। यही इसी अरेस्ट मेमो का मैं जिक्र कर रही थी। अरेस्ट मेमो मतलब आधार बताने वाला वो डॉक्यूमेंट जिसमें ये बताया जाता है कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है, और इसी अरेस्ट मेमो पर सिग्नेचर करने से कल हेमंत सोरेन ने इनकार कर दिया था। लेकिन अब ईडी इसमें जानकारी दे चुकी है कि हेमंत के आवास से 36 लाख बरामद किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो रही है और रात 10 बजे यानी कि कल रात 10 बजे गिरफ्तारी हेमंत सोरेन की ईडी ने की है, ये इस अरेस्ट मेमो में इस बात का जिक्र कर दिया गया है। सीधा ये चलते हैं सर्वेश, मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आज सर्वेश जरा कोर्ट के बाहर की हलचल दिखाइए, कितनी देर संभावित ईडी की टीम जब हेमंत सोरेन को लेकर पहुंचेगी? पूर्णिमा देखिए, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि रातू रोड क्रॉस कर चुके हैं और जो यहाँ पे है क्वार्टर ऑफ कर दिया गया। आप तस्वीरें देख सकती हैं किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं रांची के उनको यहाँ पे तैनाती की गई है। डीसी थोड़ी देर पहले आए थे एसएसपी के साथ और उन्होंने मुआयना किया था मौके का। और अभी जो बताया जा रहा है कि रातू रोड उनका काफिला, ईडी काफिला हेमंत सोरेन को लेकर क्रॉस कर चुका है, तो मुश्किल से अब 4 से 5 मिनट के भीतर हेमंत सोरेन ईडी के साथ कोर्ट में पेश हो जाएंगे। अभी जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से गहमा गहमी है कोर्ट के अंदर। तमाम जो यहाँ पे एडवोकेट हैं और तमाम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है कोर्ट परिसर में और सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन कब यहाँ पे दाखिल होंगे। और बताया जा रहा है कि अब उनका काफिला, देखिए पूर्णिमा काफिला आ चुका है और हेमंत सोरेन अब ईडी कोर्ट में, बताया जा रहा है कि कोर्ट के जो मुख्य द्वार गेट है वहाँ तक उनका काफिला पहुँच चुका है। और ये देखिए कि सीधे सीधे अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये तमाम जो गाड़ियाँ हैं, तस्वीरों में आपको दिख रही हैं। अचानक से सर्वेश गहमा गहमी तेज हो चुकी है, इसी काफिले के साथ वो यहाँ पहुंचे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें कि दूसरे तरफ से उनको ले जाने की कोशिश की जा रही है। पहले एस्कॉर्ट की जो गाड़ी थी वो सामने आई है और पीछे जो गाड़ियां थी आप देखेंगे कि एक अब हाँ हेमंत सोरेन अब आ चुके हैं कोर्ट में। देखिए उनकी गाड़ी अब सीधे इंटर कर रही है कोर्ट परिसर में, पोर्टिको में अब उनकी गाड़ी अब सीधे आ गई। अब ये तो तमाम जो आप तस्वीरें देख रही हैं ये सीधे तौर पर CRPF के जवान एस्कॉर्ट करते हुए उनको लेकर आए हैं और ये गाड़ी है जिसमें हेमंत सोरेन बैठे हुए हैं और इसमें अब उनको निकाल कर सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये ईडी के अधिकारी हैं जो अभी आगे की सीट से नीचे उतरे हैं। अब पीछे की सीट पर हेमंत सोरेन को बिठाया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरी सुरक्षा की के इंतजाम किए गए हैं। CRPF ने पूरी सर्वेश आपको 2 सेकंड के लिए मैं रोकूंगी, 2 सेकंड के लिए मैं रोकूंगी क्योंकि यही गाड़ी और इसमें हेमंत सोरेन की मौजूदगी, हेमंत सोरेन को इस वक्त कोर्ट लाया गया है और देखिए किस तरीके से पूरे सिक्योरिटी के इंतजाम इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन की पेशी MPML कोर्ट में इस दौरान होनी है और देखिए आपसे कुछ ही देर में हेमंत सोरेन नजर आ जाएंगे। सर्वेश आप भी बताते रहिएगा, तब तक मैं भी ब्रीफ कर दे रही हूँ। रांची कोर्ट के बाहर किस तरीके से भारी पुलिस बल की तैनाती और हेमंत सोरेन नजर आ चुके हैं। हेमंत सोरेन हाथ जोड़ते हुए ये देखिए इस वक्त कोर्ट के बाहर नजर आने लगे। सर्वेश जी बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए हेमंत सोरेन कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए हैं अब जहां उनकी पेशी होनी है। हेमंत सोरेन हालांकि मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरे हैं, हाथ हिलाकर उन्होंने तमाम कोर्ट परिसर में आए अपने समर्थकों का अभिवादन किया और सीधे तौर पे CRPF के जवान उनको अपनी सुरक्षा घेरे में लेकर
कोर्ट में पेशी के लिए लेकर गए हैं अंदर, अब वो अंदर दाखिल हो चुके हैं और जहां पर हेमंत सोरेन को पेश किया जाएगा, ईडी की तरफ से बताया जा रहा है कि 14 दिन की रिमांड की डिमांड की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कोर्ट का रुख क्या होता है हेमंत सोरेन को लेकर, क्यों जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने ये कहा जा रहा है कि जो कल की पूछताछ में सहयोग नहीं किया और तमाम ऐसे मौके रहे जिसमें उन्होंने सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से ईडी उनको रिमांड पर लेना चाहती है, क्योंकि सवाल कई हैं जिसके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। पूर्णिमा, तस्वीरें आप दिखाते चलिए। और क्योंकि देखिए, एक तरफ हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं हेमंत सोरेन के पहुंचने की, हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की टीम निकली थी, पहुंच चुकी है कोर्ट, और ये देखिए लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के साथ ही मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े हुए अब कोर्ट रूम में अंदर जा चुके हैं। एमपीएमएलए कोर्ट में सोरेन की पेशी होनी है, 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी ईडी की तरफ से। दूसरी तस्वीर हम आपको हलचल की दिखा रहे हैं, ये तस्वीर हम स्क्रीन पर रखेंगे, लेकिन सर्वेश इसी बीच में आधार उन 14 दिन की रिमांड का जो ईडी की टीम मांगने वाली है, सवालों के जवाब हेमंत सोरेन दे नहीं पा रहे। कुछ दस्तावेज और बाकी सबूत जो ईडी को मिले हैं, जो अरेस्ट मेमो में जिनका जिक्र किया गया है भूमि घोटाले से जुड़ा हुआ, इसी को लेकर, इसी को आधार बनाकर रिमांड मांगेगी ईडी। सर्वेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पूर्णिमा, सवाल दो रहा है अपना। सवाल मेरा यही था कि आधार वही सबूत होंगे जिनके आधार पर 14 दिन की रिमांड मांगी जाएगी, क्योंकि कथित तौर पर भूमि घोटाला और अरेस्ट मेमो में कुछ बातों का जिक्र, आधार वही रहेगा 14 दिन की रिमांड का। बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा, आधार वही रहेगा और सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने अभी तक जांच में सहयोग नहीं किया है, जो भी उनसे पूछताछ हुई है उसमें किसी भी तरह का उनका सहयोग ईडी को नहीं मिला, जिसके आधार पर ईडी जो है 14 दिनों की रिमांड की डिमांड करने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि न्यायाधीश का रुख क्या होता है हेमंत सोरेन को लेकर और ईडी के रिमांड को लेकर क्या न्यायाधीश का रुख होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हेमंत सोरेन फिलहाल आ पहुंच चुके हैं, उनकी पेशी हो रही है कोर्ट में, और जिस तरीके से ईडी डिमांड कर रही है उनकी रिमांड को लेकर, माना यही जा रहा है कि ईडी को रिमांड मिल सकती है, लेकिन वो मियाद कितने दिनों की होगी ये अभी, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ईडी की तरफ से डिमांड यही कि 14 दिनों की रिमांड कम से कम दी जाए। पूर्णिमा, मैं लौटती हूँ सर्वेश आपके पास, तस्वीरें आप दिखाते चलिएगा।